वेलकम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस चांदनी, यू आर द लकी वन टुडे। एंड मैं आपका आज एंजल्स रीडिंग करती हूँ। एंड दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। ओके, सो चांदनी जी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एंड उस पर अमल कीजिएगा। पहली बात है कि आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है उसको आपको भूलकर नया शुरुआत करना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव है, अगर आपको फेलियर्स हो रहे हैं, अगर आप जो चाहती हैं वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसको एक बार रिकिंडल कीजिए, एक नई तरीके से आप करिए और जो पुरानी बातें भूल कर डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा समय आ सकता है। क्योंकि आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि एवरीथिंग जो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, जो एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, दे आर सीरियस अबाउट यू। और इसका ट्रस्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि जो चीज़ आपके को नहीं मिली उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके एक नए सिरे से चीज़ों को हैंडल कीजिए। दूसरी बात है कि विश्व जो ट्रस्ट होता है बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी चीज़ पर और अपने तो वो आपको ज़रूर, अगर आप चाहती हैं कि वो मुझे मिलेगा, अगर आप उसको मैनिफेस्ट करती हैं और अपने एंजल्स पर विश्वास रखते हैं, तो एंजल्स आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। और इस बात का ट्रस्ट आपको होना चाहिए, दैट इज़ वन। सेकेंड कि आप अपने ऊपर भी बहुत ट्रस्ट होना चाहिए कि चीज़ें जो आप कर रही हैं वो आप ऑनेस्टी के साथ और हार्ड वर्क के साथ कर रही हैं, और जो भी काम आप कर रही हैं वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। सो ये एक, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एंजल्स अगर आपको बोल रहे हैं दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन सचमुच में इम्प्रूव होगी आपकी। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है चांदनी जी, क्योंकि एंजल्स आर विद यू। बस इतनी ही डिमांड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा फॉरगिवनेस होना चाहिए। किसी से लड़ना झगड़ना, किसी पे ब्लेम करना, ये आपकी आपके लिए सुटेबल नहीं है। और दूसरा, ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए। एंड डू ऑलवेज द राइट वर्क, दैट इज़ वन थिंग। और जो भी आप नया काम शुरू करना चाहती हैं, चाहे वो रिलेशन में हो या आपके करियर में हो, आपके फिनेंस को में हो, डे टू डे लाइफ में भी कुछ नया करना चाहती हैं, तो एकदम कर डालिए, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए नई शुरुआत करने का, नई लर्निंग का, नई सोच का, नए रिलेशंस का। एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एक नई शुरुआत करने के लिए, तो ये एक परफेक्ट टाइम है। तो अगर आप नई शुरुआत करते हैं, कुछ नया स्टडी करते हैं, कुछ नया एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो एक परफेक्ट टाइम है। उसकी इनिशिएशन आपको एक्चुअली कर लेना चाहिए, ये एक परफेक्ट टाइम है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब है जो भी आप नया काम करेंगे उसमें आपके लिए सक्सेस मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट रखें, हार्ड वर्क करें एंड ऑनेस्टी एंड परफेक्शन के साथ चीज़ों को हैंडल करें। और अब ऐसा करेंगी तो डेफिनेटली आपके लिए बिग हैप्पी चेंज का इंडिकेशन दिख रहा है आपके लिए। सो एवरीथिंग इज फाइन, एंजल्स आर रियली हैप्पी विद यू, द काइंड ऑफ द पर्सन यू आर, एंड दैट इज मेकिंग थिंग्स मोर हैप्पियर, मोर ईजी। But only two things, that trust and do hard work, whatever your goals are. So every these reading, angels reading is really really positive for you, and angels are with you and they would like to help you, and they are helping you. So you have to notice that, you have to trust and to start or to kind of reunion or rework on a certain goals, it is the right time for you. So start it and initially agar aapko koi problem bhi aati hai, never mind, because you continue working, the hard work, the honest, the clarity, the understanding of your goal, and just keep working, because it is a perfect time to start things, and that will lead you to happy changes and success. So all the best Chandani, and once again